खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। पीएचक्यू में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक ली और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा मौजूद रहे। और अब क्या कुछ कहते हैं सीएम अशोक गहलोत, सुनते और जैसा आपको मालूम है, पहले भी मैं पीएचक्यू में आया हूँ और आप लोगों से मुखातिब भी हुआ हूँ। जो हमने नवाचार शुरू किए थे 2019 के अंदर, उसका प्रभाव अभी लगातार पड़ रहा है। उसके कारण से संख्या ज़्यादा बढ़ी है। पहले मैंने कहा था मेरे जवानों को कि अगर आप कंपल्सरी करेंगे FIR थानों के अंदर, और FIR थाना में नहीं हो जाए तो SP का ऑफिस में होगी, उसके कारण कई SS के खिलाफ में कार्रवाई भी हुई, गाड़ी लाइन पे आई और लगातार अब FIR थानों में दर्ज हो रही है। उसके कारण से संख्या बढ़ना लाजमी था, परंतु एक फरियादी को, एक आम नागरिक को न्याय मिला है कि अगर मैं जाऊंगा थाने में तो मेरी FIR दर्ज होगी। पहले कई बार शिकायत आती थी कि हमें सुनवाई नहीं हुई, वापस भेज दिया, FIR दर्ज नहीं करी, कोई कोई बहाना कर लिया, तो अब वो बहाना वाली बात समाप्त हो गई। उसके अलावा जो महिलाओं के अत्याचार होते थे, तो हमने अलग से एडिशनल SP हर जिले में उसी काम के लिए लगाया, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। हिंस क्राइम है, उसके लिए अलग से हर जिले में इकाई बनाई गई। तो तमाम आज बातों पर, हर चीज़ पर डिस्कशन हुआ, किस प्रकार से क्राइम पूरी तरह कंट्रोल रहे। बाहर के राज्यों के जो लोग आते हैं यहाँ पर, गैंगस्टर आ जाते हैं या घटना कभी चले जाते हैं बॉर्डर पर, उसके बारे में चर्चा भी हुई, क्योंकि आजकल तो विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं कि गैंगस्टर, तो आपको तो मालूम ही है। तो तमाम तरीके से डिस्कशन हम लोगों ने किए हैं कि क्राइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, महिलाओं पर हो चाहे SC ST पर हो या कोई गरीब आदमी, कोई भी हो, कोई नागरिक हो राजस्थान का, उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी और फरियादी की सुनवाई पूरी होगी। हमने स्वागत कक्ष तक बनाए हैं, आपको जानकर खुशी होगी, लगभग 3-4 थानों को छोड़ के सब जगह स्वागत कक्ष बन गए हैं। स्वागत कक्ष बनने का मतलब है कि आपको वेलकम कर रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए, इसका माने ही होता है। ये मैसेज भी चला गया और आराम से अब थानों के अंदर सुनवाई भी हो रही है, क्योंकि अभी नया प्रयोग था ये, तो हो सकता है कुछ कमियाँ भी हो तो उसको धीरे धीरे हम लोग ठीक करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है, हम जो है देख रहे हैं कि पहले 156-3 में मुकदमे दायर होते रहते थे, उनकी संख्या बहुत कम होगी। अब आपको एक प्रेस नोट देंगे अभी मीटिंग के बाद में, आपके पास पहुंच जाएगा, बाद में डिटेल उसमें आ जाएगा। मोटे तौर से यह है कि ये तो उसकी संख्या कम हो गई। एक तफ्तीश का टाइम जो था, मैं आपका एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि SC ST केसेज में 2018 के अंदर 231 दिन लगते थे, हमारे नए प्रयोग के बाद में अब ये 79 डेज में तफ्तीश पूरी होने लगी SC ST केसेज के अंदर। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्वेस्टिगेशन टाइम जो महिला अत्याचार है प्रकरण, उनके अंदर भी टाइम कम हो गया, पहले 18 के अंदर 168 दिन लगते थे, अब 69 डेज लगते हैं। तो आप सोच लीजिए कि SC ST में तो 79 डेज हो गए 231 दिन से। तो ये जो फैसले किए उसका बड़ा इम्पैक्ट लग रहा है हम लोगों को। और NCRB की किताब जो आती है उसमें आंकड़े आते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के आते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा, NCRB की जो बुक है उसके प्रथम पेज पे ब्रैकेट किया हुआ बॉक्स बनाया हुआ है कि जो हम लोग कह रहे हैं उसको आप उस रूप में नहीं लें कि कोई तुलना हो रही है, सच्चाई है। अगर आप एक पैरा पढ़ेंगे, मीडिया के साथ में कहना चाहूँगा, वो पैरा हरे को पढ़ना चाहिए जो कम से कम पुलिस और होम मिनिस्ट्री को कवर कर रहा है, उससे क्या आपको अपनी स्टोरी बनाने में या आपकी जो न्यूज बनाने में आसानी हो जाएगी। अनावश्यक राजस्थान बदनाम क्यों हो,
जबकि राजस्थान की स्थिति बहुत बेहतर है। नेशनल एवरेज से आप देखें तो हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं, पर फिर भी क्या होता है, फिगर ऐसे आते हैं कि पता नहीं कितने, बताऊँ मैं आपको इसमें, मैं आपको भी वो भेज दूंगा, इसको डिटेल में टाइम लग जाएगा, पर जो स्थिति है उसमें आप समझ लीजिए कि ओवरऑल कंट्रोल करें अपन नेशनल एवरेज से विभिन्न क्राइम में, तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वो आपको आंकड़े में अभी भेज देता हूँ। इसके अलावा जो है, जो कुछ भी कोई भी पुलिस का अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्तर का हो, कांस्टेबल भी हो, अगर नेक्सस रखेगा वो किसी क्रिमिनल से, तो उसको या तो डिसमिस करेंगे, कंपनी रिटायरमेंट, अरेस्ट करना, अभी अरेस्ट हुए भी हैं, आईपीसी के खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत मुकदमे दर्ज भी हुए हैं, तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। मतलब दो जीरो टॉलरेंस वाली बात है कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि अगर कोई बाहरी खेत को खाने लग जाए तो क्या करें। तो जो पुलिस रक्षक है वो अगर मिल जाए अपराधी से तो फिर कैसे काम चलेगा, तो हम लोगों ने तय किया है। दूसरा, जो ड्रग का प्रॉब्लम पैदा हो रही है बच्चों में स्कूल और कॉलेज के अंदर, वो भी चिंता का विषय बना हुआ है, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि एक अभियान चले, अभिभावकों तक बात जाए, शिक्षा विभाग को इन्वॉल्व करेंगे, जो कम से कम टीचर तक बात पहुँचे, और जहाँ भी डाउट लगे उनको वहाँ वो पुलिस को इतला करने तो है ही है, पर साथ में उनके पेरेंट्स को इतला भी करें, जिससे कि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि है। एक जो इम्पोर्टेंट निर्णय हमने किया कि जो आपको याद होगा, पहले मैंने एक बार निर्णय किया था 8 बजे के बाद में शराब की दुकान नहीं खुली रहनी चाहिए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था पूरे प्रदेश के अंदर, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में बहुत बड़ा वेलकम भी हुआ था उस वक्त। धीरे धीरे डायल्यूट हो गया वो, जो हम महसूस करते हैं। और उन्होंने निर्णय किया कि वापस जो है, जो 8 बजे के बाद शराब अगर बिकती मिलेगी, उस जो एरिया के थानेदार हैं, थानेदार सीओ की जिम्मेवारी होगी जिसका एरिया पूरा, ओवरऑल जिम्मेवारी एसपी की होगी कि जिले में 8 बजे के शराब बाद में बिके नहीं। ये एक बड़ा पॉइंट है, इसको मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं कि उससे कई तरह की बीमारियाँ पैदा दूसरी होती है। तो ये एक तो एक है। एक और इम्पोर्टेंट निर्णय किया हम लोगों ने, ये जमीनों के जो मामले हैं, ये भू माफिया है, शराब माफिया है, रेती माफिया, बजरी का माफिया, माफिया कई तरह के हैं, उन सबके ऊपर कार्रवाई का सिकंजा कसें एसपीज, ये निर्देश दिए जाएंगे कि इसको विशेष अभियान चला करके आप इसको जो है, पहले अभियान चलवाया हम लोगों ने, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई भी है, इसको अभियान को निरंतर रखें। और विशेष रूप जमीनों का वाला मामला जो है, जयपुर तो उसमें सिरमौर है राजस्थान के अंदर, उदयपुर है मान लीजिए, और भी कई इलाके जहाँ पर जमीनों के भाव ज़्यादा हैं, और वहाँ पर जो ये सोसाइटी होती है, क्योंकि तो फर्जी सोसाइटी हैं, एक ही प्लॉट को 2-3 लोगों बेच देती है, लड़ते रहो आपस के अंदर। जयपुर में तो आप देखते हो कि हजारों कंप्लेंट आती थाने के अंदर, थानों में 50,000 तक कंप्लेंट आ रही है। आप बताइए आपस में कितने लोग दुखी होते होंगे, और केसेस रजिस्टर होते रहते हैं। तो हमने कहा कि होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, 2 महीने में रिपोर्ट दे देगी कि इसमें JDA या LSG और UDH विभाग, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट सब मिलकर के जो अनुभव शेयर करके एक रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये भू माफिया पैदा इतने हो गए हैं, और कॉपरेटिव के माफिया वो भी जो कॉपरेटिव सोसाइटी बना के बैठे हैं, जमीनों लेकर के प्लॉट बेचते हैं, 1 को 2 को वही उसी प्लॉट बेच देते हैं, डबल बेच देते हैं, और पुराने डेट के अंदर वो पट्टे बना देते हैं जबकि रोक लगी हुई पट्टों पर। तो ये तमाम जांच भी होगी, उनके खिलाफ में कार्रवाई भी होगी, इसको हमने तय किया कि इस काम को हम लोग बढ़ाएंगे।
तो मोटे रूप से तो यही बात थी। गैंगवार की घटना तो हो रही है, उसको लेकर गैंगवार के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि जो घटना हुई है तो उसमें आप देखिएगा, एक तो अभी जो लेटेस्ट हुई है सीकर वाली, उसमें सब लोगों को पकड़ा जाना बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं पुलिस की। और कन्हे वाला मामला था, उस वक्त भी जो पकड़े गए दोनों, वो बहुत गंभीर घटना थी, वो उस पर पकड़े गए। बाकी भी देखिए, गलता गेट पे जो एक कारोबारी की हत्या हुई थी, वो लाखों की लूट हुई थी वो, तो वहाँ भी पुलिस ने कार्रवाई की, 7 अपराधी गिरफ्तार किए दिल्ली से, वो आपको मालूम है। और सीकर के कोचिंग संचालक के 12 वर्षीय पुत्र को अपहरण किया, उसको बरामद कर लिया, तो वो भी बहुत त्वरित कार्रवाई हुई थी। तो घटना तो हुई है, पर घटना साथ में उसका एक 108 वर्षीय महिला थी, उसका पैर को चांदी का कड़ा काट लिया, ले गए, वही पुलिस ने मतलब वो उसकी किराएदार था, पूर्व किराएदार युवक को पकड़ लिया। तो घटना जो आप बता रहे हो, रेलवे ट्रैक वाला किस्सा आया था उदयपुर वाला, वो भी इमीडिएटली खुलासा हो गया। और खुफिया अभी जो ये घटना हुई सीकर वाली, कहने का मतलब राजस्थान पुलिस ने अच्छा काम किया, अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, कमी होगी उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बैठ के डिसीजन किया। सर, पड़ोसी राज्य जो है सर, जितने माफिया हैं, जितने गैंगस्टर हैं, वो राजस्थान को बहुत सेफ जोन मानते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं, छुपते हैं, अपना ठिकाना बनाते हैं, देन उसके बाद कुछ दिनों बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम देके चले जाते हैं, डिस्टर्ब होता है पूरा राजस्थान और पुलिस को परेशान होना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेकर। देखिए, पुलिस चाक चौबंद है, ये इनकी जानकारी में है। ये तो क्या जानकारी में नहीं हो गई बात, ये जानकारी में है कि ये राजस्थान में आ रहे हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उस वहाँ तक आ रहे हैं। तो पुलिस चाक चौबंद है और निर्देश दे दिए हम लोगों ने, विशेष उन पर ध्यान रखे, उन पर ऐसी जो माने हुए गैंगस्टर हैं, नाम आप सब जानते हो, कोई बाहर बैठा विदेशों में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, कोई जेल से करते हैं, तो तमाम तरह की डिटेल हमने डिस्कशन किए हैं और कार्रवाई उसी रूप में होगी। देखा जाए तो आपने सर आर्यपाल गैंगस्टर प्रकरण कुछ लोगों को गैलेंट्री प्रमोशन देने की बात कही थी, और अभी जो आपने 108 वर्ष की जिस महिला का जिक्र किया उसमें भी गैलेंट्री प्रमोशन देने की बात कही थी, जिसमें आदेश अभी तक जारी नहीं हुए, कुछ लोगों को मिल जाते हैं, कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिले प्रमोशन, तो सर ऐसे में पुलिस जो कॉन्स्टेबल है वो हेड कॉन्स्टेबल में प्रमोशन हुए हैं, वो भी सर थोड़े फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं उनके लिए। देखिए, आपको जिसने ब्रीफ किया होगा उसको मेरे पास भेज दीजिए। सर, आज चुनाव परिणाम भी आए हैं, सरदार शहर के भी और हिमाचल के अच्छे परिणाम भी आए हैं। देखिए, राजस्थान में बाई इलेक्शन हम जीते हैं, अब 9 बाई इलेक्शन हुए हैं राजस्थान में, उसमें 7 चुनाव कांग्रेस से जीते, 8-7 था, और बीजेपी ने एक जगह तो थर्ड पे रही थी वो, और एक जगह जमान जब्त हुई थी। तो इसलिए राजस्थान में माहौल हमारे विपक्षी साथी जो हैं वो पूरा प्रयास करते बिगाड़ने का, अफवाह फैलाने का, झूठे आरोप लगाने का। जनता ने सदा सर की जनता ने जवाब दे दिया करारा, और हमारी जो योजनाएं हैं राजस्थान की वो भी मिसाल है, राजस्थान की योजनाएं देश में कहीं नहीं है। राजस्थान वासियों को गर्व करना चाहिए कि जो योजना हमने बनाई है, लंबी लिस्ट है उसकी, तो स्वास्थ्य योजना के अलावा भी, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही है, पर सारी योजनाएं एक से बढ़ के एक है, जो कंट्री में लगभग मैं समझता हूँ कि अधिकांश राज्यों में नहीं है, और कुछ योजना कहीं नहीं होगी। तो ये तो राजस्थान वासियों गर्व भी होना चाहिए कि सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है, और जवाबदेह प्रशासन चाहती है और प्रयास करती है निभाने का। तो ये माहौल मैं समझता हूँ कि जो ये चुनाव जीते हम लोग, उसमें कांग्रेस की जो पॉलिसी प्रोग्राम प्रिंसिपल तो है ही है, पर साथ में जो है ये जो राजस्थान के जो फैसले हैं गुड गवर्नेंस के, उस पर मोड़ लगी है। आपका ओपीएस सर हिमाचल में भी चला है, ओपीएस के आधार पर चुनाव लड़ा था, उसमें हिमाचल में कांग्रेस की। ओपीएस का मुद्दा वहाँ बना हुआ था, हिमाचल में गया था वहाँ पर शिमला, तो ओपीएस का मुद्दा बना हुआ था, लग रहा था कि ये मुद्दा चल जाएगा, और चला वहाँ पर, चुनाव जीत गए। गुजरात में कोई चुनाव कोई उनकी जीत मानी जाएगी क्या, जहाँ प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री सारा देश का शासन छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं,
जब से यूपी चुनाव जीते हैं तब से मोदी जी हम लगातार वहीं आते गए हैं, गृह मंत्री ने वहीं कैम्प कर रखा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हालात थे, जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे थे, तो लग रहा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। और जनता में अगर रिएक्शन हुआ, अंडरकरंट हुआ, क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चुनाव भले वो जीत गए हों, परंतु जितनी एंटी इनकमेंट की बात थी, सरकार विरोधी लहर थी, वैसी लहर मैंने कहीं नहीं देखी। तो आप सोच सकते हो कि गुजरात में सरकार कैसी चल रही है। चुनाव जीतना तो एक बात है, लड़ाई विचारधारा की होती है, प्रिंसिपल की होती है, प्रोग्राम की होती है। उसमें हमें संतोष है कि हमारा जो रास्ता है कांग्रेस का, वो देश हित में रास्ता है और उसी पर चलना चाहते हैं। जो यात्रा निकल रही है हमारी भारत जोड़ो यात्रा, वो भी उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा की राजनीति हो, हिंसा नहीं हो, और साथ में महंगाई और बेरोजगारी की बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने, उस पर ध्यान जाए केंद्र सरकार, यही तुम कह रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो समय बताएगा। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव तो हमने बहुत जीते हैं आज़ादी के बाद में, पर आज भी हमारा रास्ता मानते हैं कि देश हित में रास्ता है, वो है संविधान की रक्षा का, लोकतंत्र मजबूत रहे देश के अंदर, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, उसकी बजाय हम चिंता करते हैं हमारे प्रोग्राम पॉलिसी और प्रिंसिपल जो है कांग्रेस के, वो हमेशा यहाँ पर मजबूत बने रहें। बीजेपी वाले आपके खिलाफ जनता को रैली निकाल रहे हैं? वो तो पहले यात्रा के निकाल चुके हैं, 4 साल में मुद्दा एक नहीं बना पाए, और अब वो जनता को रैली में जा कौन रहा, वहाँ पर कोई नहीं जा रहा, उन यात्राएं फेल हो रही है उनकी, फेल होगी। उसपे चर्चा भी हुई है, उस पर चर्चा भी हुई है, और ये प्रयास कर रहे हैं कि अवैध हथियार की जो लाइसेंस है उस प्रक्रिया को मजबूत किया जाए। ठीक है, सरकार में कह चुका हूँ, मैंने ट्वीट किया है, आज का चुनाव परिणाम अगली सरकार के रिपीटेशन का पब्लिक का एक मैसेज है हम लोगों के लिए। उस मैसेज को लेके हम और मजबूती से काम करेंगे, बजट आ रहा हमारा, मजबूती से बजट पेश करेंगे। पिछली बार बजट आया था तभी लोगों ने वेलकम किया, ये हमारा इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में शानदार होगा। धन्यवाद। बताया कि किस तरह से जो है अब लगातार पुलिस कार्य कर रही है, लगातार जो है पुलिस ने कितनी जो कार्रवाई हुई उनको लेकर बताया, जो अपराध हुए उन अपराधियों को पकड़ा गया ये बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि 8 बजे बाद शराब ना मिले इसको लेकर पाबंद किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भी बनाई है, इसकी जिम्मेदारी को भी तय किया गया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो चुनाव नतीजे आए हैं उसको लेकर भी अपने रिएक्शन दिए।